अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन. लेट्स ओपन योर बुक ऑफ काउंट डाउन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 80. सो लेट्स ओपन पेज नंबर 80 एंड द टॉपिक इज मेजरमेंट. ओके, नाउ आज हम करेंगे वेट. वेट, ओके, जी एच टी एक साथ आ जाए, हम उसको ट ही पढ़ते हैं क्योंकि एज एंड जी ग जो है वो साइलेंट हो जाते हैं. व एट वेट, वेट मतलब वजन करना, ठीक है, या वजन. वेट का मतलब होता है वजन. हम आज वजन चेक करेंगे और वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. टेक आ स्कूल बुक इन वन हैंड. टेक आ स्कूल बुक इन वन हैंड, एक हाथ में अपनी स्कूल बुक पकड़ें. टेक आ पेंसिल इन दी अदर हैंड, अदर हैंड मीन दूसरे हाथ में. टेक आ पेंसिल, पेंसिल ले, पकड़े ले अपने अदर हैंड दूसरे हैंड में, ठीक है. फील दी वेट, और वेट फील करें मतलब वजन फील करें कि किसका वजन ज़्यादा है और किसका कम है. और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो वजनी चीज होती है, जिसका वजन ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं हैवियर. क्या बोलते हैं? हैवी या हैवियर, ओके. और जो हल्की होती है उसको बोलते हैं लाइट, लाइटियर, ठीक है. विच इज हैवियर. अब उन्होंने पूछा है इन दोनों का वजन करने पे आपको मालूम हुआ कि कौन सी हैवियर है, कौन भारी है. हैवियर मीन भारी या फिर वजनी, ओके. विच कौन सी इज हैवियर. द बुक इज हैवियर देन मीन यहां से होगा या निस्बत से. द पेंसिल, बुक इज हैवियर देन पेंसिल. बुक क्या है? हैवियर देन पेंसिल, पेंसिल से. विच इज लाइटर, लाइटर मीन हल्की, हल्की, हल हल क ई की हल्की. और विच इज कौन सी है लाइटर, हल्की, हल्की कौन सी है? द पेंसिल इज लाइटर, द पेंसिल इज लाइटर, पेंसिल लाइटर है मतलब हल्की है देन से. द बुक, बुक से. पेंसिल हल्की है देन बुक, बुक से, ओके. फील द वेट देन राइट, हैवियर और लाइटर. पहले फील करें और फिर आप राइट करें, देन राइट करें हैवियर एंड लाइटर. पहले आपने, उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, उनको फील करना है अपने हैंड में पकड़ के, फिर आपने राइट करना है कि कौन सी चीज़ हैवियर है और कौन सी चीज़ लाइटर है, ओके. माई वाटर बोटल इज डैश देन माई पेन. माई वाटर बोटल इज डैश, मेरी वाटर बोटल क्या है? देन माई पेन, एक हैंड में अपने, वन हैंड में अपने वाटर बॉटल पकड़े और अदर हैंड में, दूसरे हाथ में पेन पकड़े और फील करें कि वाटर बॉटल क्या है, पेन से हैवियर है या फिर लाइटर है. माय वाटर बॉटल इज हैवियर, मोस्टली हैवियर होती है. हैवियर, ओके, हैवियर. माई वाटर बोटल इज हैवियर, मेरी वाटर बोटल हैवियर है, वजनी है देन माई पेन, मेरे पेन से. माई रेजर इज डैश देन अ थिक बुक, मेरी जो रेजर है वो क्या है, थिक बुक से हैवियर है या लाइटर. एक हैंड में हमने रेजर पकड़नी है और दूसरे हैंड में हमने बुक पकड़नी है, तो फिर दोनों का वेट हमने फील करना है. फील करने से मालूम होगा कि हमारी जो रेजर है वो है लाइटर. क्या है? ल आई लाइट, लाइट अर अर लाइटर देन आ थिक बुक. जो जो रेजर है वो लाइट है, किससे? आ थिक बुक, एक मोटी किताब से. A flower is dash then a banana. हमारा जो फ्लावर, वो अब पूछ रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है कि
फ्लावर जो फूल है क्या वो वजनी होता है, वो जो फल है बनाना केला से, तो ये आपने खुद से फील करना है। ओके, आपने एक हैंड में फ्लावर पकड़ना है और दूसरे हैंड में नैना पकड़ना है और देखना है कि कौन फील करना है आपने कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवियर है और कौन सी चीज़ लाइटर है। फिर आपने फील करना है कि फ्लावर क्या है, नैना से हैवियर है या फिर लाइटर है। ओके, देन हमारे पास है पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 में है वेट व एट वेट वी यूज आर बैलेंस और स्केल्स। हम यूज कर सकते हैं बैलेंस और स्केल्स को या स्केल्स को टू कंपेयर वेट, वेट को कंपेयर करने के लिए। अब बैलेंस हैज टू पेंस, बैलेंस करें टू पेंस का, ठीक है। लेट अस टेक अ बुक एंड अ पेंसिल, वी पुट वन इन ईच पेन, द पेन विद द बुक गोज डाउन, द पेन विद द पेंसिल गोज अप। ये हमारे पास टू पेन्स हैं। ओके, अब हमने इसे क्या करना है, इन टू पेन्स में एक साइड पर हमने रख देनी है अपनी बुक और दूसरी साइड पे अपनी पेंसिल। अब देखना है कि इन दोनों में से लाइटर कौन सी है और हैवियर थिंग कौन सी है। जो हैवियर होगी वो इतनी हैवी होगी कि वो पेन को नीचे कर देगी, मतलब गोस डाउन, मतलब वो नीचे चले जाएगा उसके वजन की वजह से। और जो लाइटर थिंग होगी वो पेन को अप कर देगी, मतलब गोस अप, कि वो इतनी हल्की होगी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा हैवियर थिंग के आगे, वो ऊपर की तरफ होगी। जो हैवियर चीज होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है और जो लाइटर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ओके, अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, द बुक इज हैवियर देन द पेंसिल, बुक जो है वो हैवियर है किससे, पेंसिल से। द पेंसिल इज लाइटर देन द बुक, और पेंसिल लाइटर है बुक से। तो आगे देखिए, लुक एट दीज स्केल्स, टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज लाइटर, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवियर, व्हाट हैज बीन डन फॉर यू। हमने इन पिक्चर्स को देखना है और हमने उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो कि शो कर रहा है लाइटर थिंग को, और उस ऑब्जेक्ट को हमने सर्कल करना है। ये देखिए सर्कल का, सर्कल करना है किस ऑब्जेक्ट को, जो कि शो कर रहा हो एक हैवियर चीज को, ठीक है ना। अब ये देखें कि हमारे पास एक उन्होंने हमारे लिए कर दिया है आसानी के लिए। अब उन्होंने ये टू पेन्स है, एक में लीफ था और दूसरे में क्या था, मग, ठीक है। अब मग वाला पेन नीचे है, वो डाउन जा रहा है, गोज डाउन, इट्स मीन ये हैवियर था, तो उन्होंने हैवियर को सर्कल करना था तो हमने हैवियर को सर्कल कर दिया। और ये जो है लीफ, ये ऊपर जा रहा है अब, क्योंकि ये लाइटर था, ये लाइटर था मग से, तो इसको हमने टिक कर दिया। अब हमने देखना है इनमें से जो सी चीज हैवियर है उसको हमने सर्कल करना है और जो लाइटर है उसको हमने टिक करना है। हैवियर चीज हमेशा डाउन होगी, नीचे होगी अपने वजन की वजह से, और लाइटर थिंग ऊपर होगी अपने हल्के वजन की वजह से। ओके, हैवियर वेयर इज हैवियर थिंग, इज दिस हैवियर, नो, क्योंकि ये तो ऊपर है, इसका तो कोई वजन ही नहीं है, अगर वजन होता तो ये पैन को नीचे ले जाती। और ये देखिए शू हमारे हैवियर है, इसको हमने करना है सर्कल हैवियर थिंग को, और लाइटर को क्या करना था, टिक। अब ये देखें इनमें से, देखिए गौर से, हैवियर कौन सी है, बिल्कुल जो चीज नीचे होगी, जो डाउन होगी वो होगी हमारी हैवियर थिंग, जिसको हमने सर्कल करना है, और जो ऊपर होगी वो होगी लाइटर थिंग। ओके, तो ये लास्ट वाला आपने खुद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।